ब्यूटीफुल नाइट टू यू एंड वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। आज बच्चे ऐसे मुझे शॉकिंग निगाहों से देख रहे हैं। गाइज, आज शाम से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ आज मेरा हेल्थ थोड़ा सा डाउन था, तो सुबह घर पे कुछ ऐसा था नहीं कि मैं आप लोगों को शूट करके दिखाऊँ। ठीक है, इस टाइम शाम के 5:30 बज रहे हैं गाइज, और मासी जी घर पे आ गई हैं। ठीक है, और अभी हमारी क्लास चल रही है फिलहाल। सॉरी फॉर लेट। एंड दिस इज द क्लास, आरवीएल्स क्लास चल रही है। अच्छे से गर्ल्स। ये आर्यन, वेलकम। क्लास हो गई है गाइस, 8:30 बज रहे हैं। क्लास वगैरह खत्म करके मैं और दुगल जी, रहे। हेलो, नॉट इंटरेस्टेड। हेलो हेलो। तो क्या नाम, क्लास खत्म करके दुर्गा जी मुझे जूस पिलाने लाए हैं, तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे हैं मार्केट में, जूस वगैरह पी रहे हैं, फिर घर जाएंगे, फिर आपको घर जाके मासी जी से मिलाएंगे। लोग कह रहे हैं कि मासी जी का इंट्रो करवाओ, तो मैं घर जाके मासी का इंट्रो करवाती हूँ आपको ब्लॉग में। ठीक है, ओके गाइस, सब आपको डायरेक्ट घर पर मिलेंगे। खाना खा लिया और आपने आप घर पहुँच गए हैं, ये समर जी बैठा हुआ है अपने एज लाइक ऑलवेज टैब में, है ना। और टाइम वही हो रहा है जो रोज़ वो होता है, 9:30 रहेगा। इस खाना खा लिया हुआ है। आज सुबह व्लॉग इसलिए नहीं शूट करा क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी आज डाउन थी गाइस, इसलिए व्लॉग शूट नहीं कर पाई। पूरा दिन लेटी रही, है ना। फिर क्लास तो जाना ही था, आज अर्ली इन द मॉर्निंग वाली क्लास जो रहती है मेरी वो भी नहीं कर पाई मैं, है ना। तो थोड़ा सा हेल्थ इशू था, तो ये सारी चीज़ें गाइस। और मासी जी दोपहर में आ गए थे 2:30 बजे तक में, है ना। एंड आप लोगों ने, बहुत लोगों ने मासी जी के बारे में पूछा हुआ है कि अपनी मासी जी के बारे में बताओ कौन है। तो मासी जी हैं जो मेरे हस्बैंड हैं, मतलब टीनू जी, दुगल जी, उनकी मम्मी के, मतलब मेरे मदर इन लॉ की जो बुआ जी थे ना मासी, उनकी बेटी है, बुआ जी की बेटी हैं। अब देख लो आप कौन सा, मतलब ज़्यादा मैं उलझ जाऊँगी, ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगी। तो मेरे मदर इन लॉ की बुआ की बेटी हैं, वो हमारे साथ ही रहते हैं। मतलब काफ़ी साल पहले कुछ मिसहैपनिंग हो गई थी, और तो उनके हस्बैंड नहीं रहे, है ना, उसकी वजह से। तो तब उनका बेबी बहुत छोटा था, है ना। तो फिर वो, मतलब उनकी शादी यूपी में कहीं पे हुई थी, तो वहाँ पे मासी को रहना अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब शी वॉज नॉट फीलिंग कम्फर्टेबल विद देम। तो मेरे फादर इन लॉ ने, मदर इन लॉ ने, इन लोगों ने डिसीजन लिया कि कोई बात नहीं, आज से श्यामा, उनका नाम है श्यामा, वैसे उनका नाम है श्यामा जी, और वैसे उनको घर पर बुलाते हैं काकी, तो कहते कोई बात नहीं, वो आज से हमारे साथ रहेगी। तो तब से हमको 35-40 साल हो गए, वो हम लोग साथ ही रहते हैं तब से, है ना। और ये मासी की स्टोरी है, उनका एक बेटा है जो कि लुधियाना जॉब करता है, उसकी एक बेटी है, वाइफ है, और क्या नाम, काफ़ी साल से लुधियाना में सेटल्ड है, वो ट्राइडेंट कंपनी में काम करता है उनका बेटा। और मासी की छोटी सी फैमिली है, हम यहाँ पे मासी का ध्यान रखते हैं, जब मासी वहाँ जाती है तो वहाँ पे वो लोग ध्यान रखते हैं, सनी वगैरह। सनी अभी तो वहाँ पे गया हुआ है, यूएस गया हुआ है, अमेरिका, किसी अपने ऑफिस के काम से ही, कंपनी के काम से ही, तो आएगा तो आएंगे वो लोग यहाँ पे, या हम लोग वहाँ जाएंगे तो मैं मिलवाऊंगी। एक्चुअली उन लोग का वर्कलोड इतना है तो उन लोग का आना नहीं रहता यहाँ पे ज़्यादा, और हमारा भी आपको पता ही है, ब्लॉगिंग अभी 3-4 महीने से स्टार्ट कर रही है, तो मतलब वो साल में एक आध बार दर्शन होते हैं उनके, तो इसलिए वो कम ही दिख पाते हैं। मासी चले जाते हैं वहाँ पे उनके पास थोड़े टाइम रहने के लिए, फिर जब उनका मन इधर आने को करता है तो इधर जाते हैं, कभी उधर चले जाते हैं। तो ये है गाइस, है ना। और वैसे सारी चीज़ें हैं, अगर आपको कुछ और क्वेश्चन पूछना तो आप पूछ सकते हो गाइस। ठीक है मीना, आप जान गए होंगे मेरी नेचर, ऐसी हूँ मैं, पागल औरत नहीं लड़की, मैं औरत नहीं है साला, मैं तो लड़की है। किडिंग गाइस। चलो खाना वाना खाइए, फिर वापस आते हैं आपके पास। ठीक है, अब बोल कैमरे पे, बोल। आरवीएन से मुझे गालियां दे जा रहा है, बोल। मैंने गाली, मतलब अभी डांटी जा रहा है मुझे, गालियां नहीं, क्या हो गया? अच्छा शानवती, बहुत शाना है गाइस, अभी चूचू कर जा रहा था कैमरे के पीछे। तो आप औरत ही है, आप लड़की बनेंगे क्यों? लड़की बोलने में दिक्कत होगी नोनी कुछ? मैं हमेशा ही ऐसे बुढ़ापे भी मैं ऐसी लड़की बोलूंगी, बच्ची, छोटी बच्ची, ऐसे ही रहना चाहिए आपको हमेशा, सबको हमेशा बिंदास मस्त, हैप्पी हैप्पी। ओके आर्यंस,
डिनर हो गया गाइस। आज का वीडियो थोड़ा छोटा रहेगा, सॉरी आज ज़्यादा कुछ शूट कर नहीं पाई क्योंकि मूड भी नहीं था। हमेशा एक जैसा मूड नहीं रहता ना इंसान का, मूड भी नहीं था शूट करने का और मतलब कोई था भी नहीं कि जो कोई शूट कर दे कोई, सब लोग बिजी थे। तो आज का ब्लॉग इतना ही है गाइस। और मासी जी को थकान बहुत थी तो वो हमारे घर आने से पहले सोने चले गए, वो कल मिलेंगे आपसे। ठीक है, तो आज के ब्लॉग को ही ख़त्म कर रही हूँ और कल मिलूँगी आपको नए ब्लॉग के साथ। होप मैं आपको कुछ नया कल के ब्लॉग में कुछ नया दिखाऊँ। इस तो कल मिलते हैं आपको नए ब्लॉग में, तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे और देखते रहे अरविंद कौर के ब्लॉग्स। होने चाहिए कभी कभी भी ऐसे सिंपल ब्लॉग भी होने चाहिए ना, छोटे छोटे, है ना, एक जैसी नहीं ना चलती रहनी चाहिए चीज़ें, ऊपर नीचे होती रहनी चाहिए, तभी तो मज़ा आता है। कभी स्केल ऊपर जाता है, कभी डाउन, कभी अप, देन डाउन। ओके चलो, बाय, लव यू, टेक केयर, गुड नाइट।